उदयपुर हत्याकांड में जान गंवाने वाले दर्जी कन्हैया लाल के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग जुटे। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कन्हैया लाल के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया गया। कन्हैया लाल का शव निकलने के दौरान उनकी पत्नी यशोदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो पति को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग करती दिखी। उन्होंने कहा, आरोपियों को फांसी दो, आज उसने हमें मारा है, कल दूसरों को मारेगा। उधर कन्हैया लाल की भांजी ने कहा कि आज हमारे घर से मेरे मामा जी को मारा है, कल किसी और के घर से कोई और मारा जाएगा। राजनीतिक अपनी रोटे निश्चय के हमारे घर से मर मेंबर गया, जिसके ऊपर वित्तीय वही जानता है, उस हमारे घर से मर मामा जी को मारा गया है, तो उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, बस फांसी की सजा। आपको बता दें कि मंगलवार की दोपहर टेलर कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपियों ने इस वारदात का वीडियो भी बनाया और प्रधानमंत्री मोदी को भी धमकी दी।